अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकटिस चैनल। कुकटिस चैनल वेलकम। आपके प्यारों का चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया मेरा चैनल में लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आजकल जैसे पता है गैस की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से काफ़ी यूपी गुड्स का ये फोन आया था कि हमारे पास गैस का सिलसिला नहीं है और सिलेंडर यूज़ करते हैं तो सिलेंडर का एक तो खर्चा भी एक्सेस होता है और नॉर्मली उसमें थोड़ा सा हादसे का एक मसला होता है। तो आज फिर ये मैं हॉट प्लेट लेके आए इंफ्रेट वाली। इसमें तीन किस्म की आती है। एक प्लेट वो होती है जो बेसिक होती है, जो खाने को सिर्फ गर्म करने के लिए होती है, खाना वगैरह पकता नहीं है उसमें, वो सिंपल हॉट प्लेट कहलाती है। ये वाली हॉट प्लेट इंफ्रेट वाली कहलाती है। इसमें खाने की अगर कुकिंग वगैरह करते हो तो बहुत ज़बरदस्त स्मेल आता है। अगर रोटी छोटी पकानी है तो रोटी भी बहुत अच्छी इसमें बेक हो जाती है। और इसके अलावा फिर एक प्लेट होती है जो इंडक्शन होती है। इंडक्शन बेसिकली सचेस, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ता है, आपको बर्तन ऐसा लेने पड़ते हैं कि उसको इंडक्शन के लिए आपका वो प्लेट साथ जुटती है तो देन वो गर्म होती है, बाकी प्लेट वैसे ठंडी रहती है आपकी। इस प्लेट के ऊपर अगर गर्म होती है, इसको हाथ का ऊपर निशान बना होगा, देख रहे होंगे आप, इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना आपने, जब ये ऑन हो तो इसको गर्म होती है। तो इसी थोड़े से उसके लिए हदायत के लिए और इस प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए कि इसमें क्या है और किस तरह यूजिंग है, मैंने आज फिर फैजान भाई को तकलीफ दी है। फैजान भाई को मैंने बुलाया कि फैजान भाई आके फिर इसके बारे में थोड़ा सा तकलीफ कर देंगे। तो फैजान भाई वेलकम टू माय कुकटिस, तो आपके आने का शुक्रिया, टाइम देने का शुक्रिया। तो काइंड इज इसके बारे में थोड़ा सा तकलीफ करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लें रेस की इंफ्रेट कुकर। रेज अल फतह का अपना ब्रांड है, मैं आपको बता दूं रेज अल फतह का अपना ब्रांड है, मोर देन 25 इयर्स हो गए और हमारा ब्रांड बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें किचन अप्लायंसेस आ जाती हैं, स्मॉल आइटम्स आ जाती हैं, फ्रिजेस वगैरह आ जाते हैं। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इंपोर्टेड में आता है, इंपोर्टेड में आता है, ये बाइट से ही बन के हमने इम्पोर्ट करवाई गई है। ईजी टू कुक है, ये सेरामिक ग्लास होता है, टूटता भी नहीं है, 10 से 15 kg का आप इजीली इसमें बर्तन अच्छा, 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 ठीक है, तो 15 kg है ना साइज होता है, वेट होता है, कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं। इसमें हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाती हैं, इंक्रीज डिक्रीज की यहाँ से ऑप्शन आ जाती है, सूप की, बॉइलिंग की, स्टीम की ऑप्शन आ जाती है। ये फिटेड है इसके, इसमें फिटेड है, सारी फिटेड है। यहाँ से आपने ऑन कर लेना, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करना हो यहाँ से आप इजीली रोटेट करके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है और स्टीम की, स्टीम के ऑप्शन टच करेंगे इसमें फीड अप होगा सारा, आपने स्टीम के ऑप्शन टच करनी है, वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर और सारा कुछ सेट कर लेगा और आपकी स्टीम बन जाएगी। फिर सूप की ऑप्शन आ जाती है, सूप भी ऑटोमेटिकली है सारा, सूप भी आपने रख देना और सूप के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, वो सारा टेम्परेचर वगैरह सेट कर लेगा। और ईजी टू कुक का जो इसका सरफेस एरिया वो भी इसमें बड़ा बनाया हुआ है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड, उन्होंने जो सर्कल इसका सरफेस एरिया जो हीटिंग पर्पज़ के लिए होता है वो काफ़ी स्मॉल बनाया होता है, लेकिन इसमें बड़ा साइज आ जाता है हमारे पास। फिर इसमें पैन फ्राई की ऑप्शन आ जाती है, सिंगल डबल की ऑप्शन आ जाती है, इसमें आप सिंगल प्लेट बर्न कर सकते हैं, डबल प्लेट बर्न कर सकते हैं। हॉटपॉट की ऑप्शन आ जाती है, खाना अगर आपने गर्म करना हो तो उसमें आप हॉटपॉट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका खाना गर्म हो जाएगा और गर्म रहेगा। अगर इनकेस आपका खाना बन गया हुआ तो आपने सिर्फ अगर रखा हुआ तो हॉटपॉट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो खाना आपका गर्म का गर्म ही रहेगा। फिर उसमें आ जाती है स्टीयर फ्राई की ऑप्शन आ जाती है, फ्राई भी आप इजीली कर सकते हैं, वन टच आपने करना है, इजी टू फ्राई हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती है बेसिक जो टाइमर की ऑप्शन होती है, आपने कोई भी चीज़ को कुक करना है उसमें कितना टाइम है वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और वो उतने टाइम के लिए हीट ऑन हो जाएगी, टेम्परेचर आप सेट कर देंगे, फिर वो जितना टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसमें वो फिर ऑन ऑफ हो जाएगा। बहुत अच्छी प्लेट है हमारे पास ये, और इसकी मैं प्राइस बताता जाऊँ, प्राइस भी रिजनेबल है, प्राइस आपको इसकी कॉस्ट कट जाएगी 15,500 मेरे पास आएंगे तो इंशाल्लाह कमी पेशी और हो जाएगी। जो मॉडल है इसका 2203 है और वॉट्स में इसके बताता जाऊँ तो 2200 वॉट है ये, और नॉर्मली जो अदर ब्रांड में हम जाते हैं तो उसमें 2000 वॉट तक होती है, ये अच्छी अच्छी ऑप्शन है, हीटिंग भी अच्छी है, 2200 वॉट दिए हुए हैं इन्होंने, एडिशनल पर्पज जो है 2200 वॉट है, अदर ब्रांड में वहाँ पर 2000 वॉट आती है। माशाल्लाह इसमें फैन भी है, फैन भी आ जाता है, जैसे ही इसे ऑन करेंगे फोर ईयर चल जाएगी, फैन भी दिया हुआ है, इन सेकेंड विद इन सेकेंड में ये स्टार्टअप ले लेता है। और इसकी 2 ईयर्स की वारंटी है, प्राइस आपको बता दिया, वॉट्स आपको बता दिए, स्पेक्स आपको सारे बता दिए उन्होंने, बाकी राणा साहब बता देते हैं आपको।
अच्छा, जैसे कि आपने देखा है सारा जो है सिस्टम तो समझा दिया है, काफी लंबी ब्रीफिंग दी है, आज तो बड़ी डीपली होके फिटिंग दे रहे थे आपको, तो मेरा ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके प्यार होगा चाहतों का बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।